अब ओवर स्पीड आप गाड़ी चलाइएगा तो जरा सोच समझ के चलाइएगा। अगर गाड़ी चलाते हुए अगर आप मस्ती कर रहे हैं तो फिर भी आप सोच लीजिएगा कि आगे जाकर हमारे साथ ना जाने कभी भी कैसा दुर्घटना घट सकता है, जिस दुर्घटना के बारे में कभी आप सोचे नहीं होंगे। अब यह जो आपको गाड़ी पलटा हुआ दिख रहा है, ये गाड़ी का ड्राइवर भी पूरा मस्ती कर रहा था और मस्ती मस्ती में ना जाने एक ऐसा दुर्घटना घट जाता है। ऐसे में अगर उनका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, उनके साथ ऐसी कोई घटना ना घट जाती जो काफी दुखद होती। हालांकि अभी काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार के ड्राइवर जो होते हैं, वाहन चालक जो होते हैं, इतना लापरवाही करते हैं कि इस तरह से वाहन पलट जाता। बाकी यहां पर एक सिपाही जी हैं, बाकी विशेष जानकारी हम इनसे लेंगे क्या कुछ हुआ जो ऐसे गाड़ी पलटा हुआ दिख रहा है। मस्ती था, ड्राइवर पीने था, ड्राइवर पिए हुए था, शराब पिए हुए था या फिर चाय पानी पिए हुआ था? शराब, शराब, शराब पिए हुआ था। अच्छा, बिहार में तो शराब बंद है, फिर शराब लाते कहाँ से जो पिए हुए थे? कहाँ से लाते हैं, दुनिया मिलता है। क्या लगता है बिहार में शराब बंद नाम का है या फिर सच में काम का है? क्या कुछ कहेंगे क्या? आप सर काफी ईमानदारी पूर्वक टाइमली यहाँ पहुंचे, ड्राइवरों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि शराब पीकर गाड़ी चलाए या फिर शराब ना पीकर गाड़ी चलाए? शराब पी के चलाए, शराब पीकर चलाए। अब सर भी भटक गए हैं, सर को कहना चाहिए था कि शराब ना पीकर चलाए और मस्ती मगन में ना होकर चलाए। देख सकते हैं गाड़ी पे डिब्बा हुआ था, यह गेहूं में डालने वाला कोई बीज है, गेहूं में डालने वाला क्या है? जैम है, जैम, जैम है, जैम है। और मस्ती मगन में पूरा वाहन चला रहा था और बताया जा रहा है कि शराब पी कर चला रहा था। यानी कि बिहार का दुर्भाग्य है या फिर बिहार के ड्राइवरों का दुर्भाग्य है, ये तो कहना मुश्किल हो रहा है। बाकी कुछ युवा हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पूरा एकदम चार चार डिब्बा लेकर चला रहे हैं बाइक पर, क्या कुछ कहेंगे? हम क्या बोलना चाहेंगे, मस्ती में चलाते हैं कि पूरा ध्यान रख कर चलाते हैं वाहन? हम पूरा रिस्क कवर करके चलाते हैं और ध्यान से चलाते हैं। लगभग इस डिब्बे में लगभग 2 क्विंटल होगा दूध, 2 क्विंटल लगभग होगा ना? जी, 2 क्विंटल दूध रहा। 2 क्विंटल बाइक पर लेकर, ये खटारा बाइक लग रहा है, देख लीजिए। हालांकि लग रहा है 1947 का बाइक है, लेकिन इतने मगन में चलाते हैं, कहना क्या कुछ कहेंगे। दो, अच्छा ये बताइए, बिहार में शराब बंद है कि चालू? चालू है, चालू है। सर तो कह रहे हैं कि बिहार में बंद है। पूरा चालू है, पूरा बंद है। सर लोग कहते हैं बिहार के प्रशासन, बस कहावत है, बंद है, चालू है बिहार में। नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार बकलोल है, बकलोल है, बकलोल है वो तो। कैसे कह सकते हैं बिहार को चला रहा है बकलोल? कैसे वैसा बकलोल मुख्यमंत्री बिहार को चलाएगा? जो दी चो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, गांजा पी को अपने भकवाल रहता है, दारू पी अपना आपस में ही बहन जो कुछ कुछ करता रहता है, कुछ भी करते रहता है। और क्या बोलना चाहिए, क्या बोलता है, क्या ऐसा मुख्यमंत्री होता है कोई? बिहार बदलेगा कि नहीं? नहीं बदल सकता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार नहीं बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री ना उनको बनना है। अरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद तो उनसे संभाला नहीं जा रहा, वो प्रधानमंत्री संभालेंगे, प्रधानमंत्री संभालेंगे। बाकी वाहन अगर कोई शराब पीकर चलाते हैं या फिर बात करते हुए चलाते हैं तो सतर्क हो जाए। बाकी और कुछ युवा है, शराब पीना है कि नहीं पीना है? नहीं पीना है। शराब क्यों नहीं पीना है? ऐसे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और शराब बिहार में बंद है या फिर नहीं? बिहार में तो चालू है, शराब चालू है, ब्लैक में मिलता है, सभी लोग पीते हैं, देखते हैं पी रहा है तो चालू नहीं। प्रशासन के द्वारा बताया जाता है बंद है, प्रशासन कहीं बंद नहीं है, सभी बंद है, हर गांव में हर गली में चालू है, हर गली में चालू है। बाकी आपका क्या रहा है बिहार के बारे में, बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार के ड्राइवरों के बारे में, और बिहार में क्या शराब बंद है या फिर चालू, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद जय।